साथियों आदाब, आपका इस्तकबाल हमारे चैनल शमा उर्दू हिंदी में। आज से हम शुरू कर रहे हैं उर्दू ग्रामर। उर्दू ग्रामर के अंदर हम सबसे पहले इस्म यानी इंग्लिश में जिसे कहते हैं नाउन, उसे पढ़ेंगे। पहले इसकी कहानी दी गई है ताकि आप कहानी से अच्छे से एक्सप्लेन कर सकें इस्म किसे कहते हैं। वैसे तारीफ यहाँ लिख रखी है उन्होंने, इस्म किसे कहते हैं। तो फिलहाल हम पहले कहानी पढ़ रहे थे। हामिद, शाहिद और मोहन दिल्ली का लाल किला देखने गए। दिल्ली की तारीखी इमारतों में लाल किला, कुतुब मीनार, जामा मस्जिद और पुराना किला बहुत मशहूर है। लाल किला मुगल बादशाह शाहजहां ने बनवाया था। ये किला लाल पत्थर का बना हुआ। तीनों लड़कों ने टिकट खरीदे और किले के अंदर गए। किले में कई इमारतें बनी हुई थी लेकिन मोती मस्जिद की खूबसूरती कोई जवाब नहीं। उसे देखकर लड़कों को बहुत खुशी हुई। तीन लड़के लाल किला देख रहे हैं, ये शाहजहां और ये कुतुब मीनार। तो इसके जरिए आगे पढ़ते हैं। आपने देखा इस इबारत के पहले जुमले में पांच नाम आए, हामिद, शाहिद, मोहन, अशखास के नाम है, जबकि दिल्ली लाल किला जगह के नाम। इसके अलावा पत्थर और टिकट भी किसी चीज के नाम है। आखिरी जुमले में खुशी एक कैफियत का नाम है। तो इसी के जरिए आप इसे समझेंगे। अब आप समझ गए होंगे किसी शख्स, जगह या चीज और कैफियत के नाम को इस्म कहते हैं। जैसे यहाँ पे अभी नाम आया था ऊपर दी गई इबारत में, हामिद, शाहिद, मोहन, तीनों को लड़कों कहा गया है। इसी तरह लाल किला, कुतुब मीनार, जामा मस्जिद और पुराने किले के लिए इमारत लफ्ज का इस्तेमाल किया गया। आप जानते हैं कि लड़का और इमारत ऐसा नाम है जो हर लड़के और हर इमारत के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। शाहिद, हामिद, शाहिद, मोहन, लाल किला, मोती मस्जिद, दिल्ली, लड़कों और इमारतों और जगह के ना के खास नाम हैं। शाहिद, हामिद, मोहन के नाम से किसी और को नहीं पुकारा जा सकता। इसी तरह हर किले, हर शहर और हर मस्जिद को ना तो लाल किला कहा जा सकता है ना मोती मस्जिद। तो अब बात जो समझानी थी वो ये है, किसी आम शख्स, आम जगह और आम चीज के नाम को इसमें आम कहा जाता है। इसमें आम को इसमें नकरा भी कहा जाता है, ठीक है। तो किसी किसी शख्स का नाम हो या जगह का नाम हो उसे आम इसमें आम कहा जाता है। किसी खास शख्स, खास जगह और खास चीज के नाम को इसमें खास कहा जाता है और इसे इसमें मारफा भी कहा जाता है। अब चलिए इसमें मारफा यानी इसमें खास और इसमें आम में क्या फर्क है वो यहाँ पे आप सीख लेंगे। यहाँ पे बताया दुनिया के हर शख्स को उसके नाम से पुकारा जाता है, लेकिन बाज लोग ऐसे हैं जिन्हें उनके असल नाम के अलावा दूसरे नाम, खिताब या लकब भी दिया जाता है। देखिए जैसे मौलाना अबुल कलाम आजाद का असल नाम मुइनुद्दीन अहमद है। सरोजनी नायडू को बुलबुले हिंद कहा जाता है। सचिन तेंदुलकर को उनकी शानदार बल्लेबाजी के लिए मास्टर ब्लास्टर के नाम से पुकारा जाता है। रघुपति साय उर्दू अदब में फिराक गोरखपुरी के नाम से जाने जाते हैं। हजरत ईसा को इब्ने मरियम भी कहा जाता है। इन जुमलों में सरोजनी नायडू के लिए बुलबुले हिंद, सचिन तेंदुलकर के लिए मास्टर ब्लास्टर के नाम और इनके लकब के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। लकब इसमें खास की एक किस्म है। इसमें खास की एक किस्म है, किसी को कोई एक नाम दे दिया खास तो वो जो है क्या नाम है इसमें खास हो गया। जैसे राहुल द्रविड़ को द वॉल कहते हैं। उम्मीद है कि आपको इस्म के बारे में समझ में आ गया होगा, इस्म किसे कहते हैं और इसमें आम और इसमें खास किसे कहते हैं। तो आप जो है इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, और अगर आपको व्हाट्सएप पे चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, वहाँ पे आप व्हाट्सएप से भी मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको इसका फोटो भेज दूँगा। थैंक यू।